चाइना में X7 लॉन्च हुआ 18,000 के आसपास, इसी फोन का ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च हुआ दुबई में 31,000 के आसपास, लेकिन ये फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में और मेरे हिसाब से इस फोन का प्राइस ज्यादा होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि भैया बाहर तो ये फोन सस्ते में लॉन्च हो जाता है और कहीं ना कहीं इंडिया में लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये फोन बहुत ही प्रीमियम है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया, वो कह रहा है कि भैया इस फोन में आपको बहुत कुछ मिल जाता है और कहीं ना कहीं ये फोन तगड़ा है। हाँ मुझे पता है तगड़ा है, लेकिन इस फोन का प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। मैं आज के वीडियो में आपको हर एक चीज बताने वाला हूं इस फोन के बारे में और साथ में मैं इसे कंपेयर करूंगा पोको के F1 से, क्योंकि वहां पर जो प्रोसेसर मिलता है वो बड़ा तगड़ा है और उस फोन का प्राइस भी भैया बहुत ही अच्छा है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से, और कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट नोकिया बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि नोकिया के फोन में आपको 6.18 इंच की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है, साथ में आपको ऊपर छोटी सी नॉच मिल जाती है, पीछे की तरफ आपको भैया ग्लास का बिल्ड मिल जाता है, वहीं पर आपका फिंगरप्रिंट मिल जाता है और जो इसकी डिस्प्ले है ना वो है HDR10 वाली। मतलब ये फोन देखने में बहुत ही सुंदर है और कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा है। लेकिन यदि आप लेते हैं पोको फोन तो वहां पर आपको 6.18 की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले तो मिल जाता है, लेकिन भैया यहां पर HDR10 वाली डिस्प्ले नहीं है और आपको पीछे की तरफ पॉली कार्बोनेट की बॉडी मिलती है और बहुत सारे लोगों को इसकी जो डिजाइन है ना उससे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बड़ा भी लगता है और कहीं ना कहीं भैया जो प्लास्टिक है ना तो भैया वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगा। लेकिन यदि आपको बिल्ड क्वालिटी में जाना है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है नोकिया का 8.1, लेकिन भैया सबसे आगे होता है प्रोसेसर, क्योंकि यदि प्रोसेसर तगड़ा हुआ तो आपके फोन में बहुत सारी चीजें अच्छे से काम करेगी और कहीं ना कहीं पोको फोन में आपको इतना तगड़ा प्रोसेसर मिलता है जो बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 845 और आपको पोको फोन में ये बहुत ही सस्ते में मिल गया। लेकिन यदि आप लेते हैं नोकिया का फोन तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 710 मिलता है, ये प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपको चाहिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है पोको फोन। मतलब यदि आप परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पोको फोन में। लेकिन भैया आजकल तो सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड होती है कैमरा, यदि आपको चाहिए कैमरा तो आपको नोकिया के 8.1 में मिल जाता है 12+13 मेगापिक्सल का भैया रियर कैमरा और साथ में यहां पर जो अपर्चर है ना वो है f1.8 और साथ में यहां पर आपको OIS भी मिल जाता है और ये जो ऑप्टिक्स है ना वो है जेस ऑप्टिक्स। मेरे हिसाब से इस फोन का कैमरा बहुत अच्छा होगा, चाहे आप डे लाइट कंडीशन में देख लीजिए, चाहे नाइट में फोटो देख लीजिए, चाहे तो भैया आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भैया यहां पर आपको OIS मिल जाता है और फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल जिसका अपर्चर 2.0। लेकिन यदि आप लेते हैं पोको फोन तो यहां पर आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और साथ में यहां पर अपर्चर आपको मिल जाता है f1.9 और साथ में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपको अच्छा कैमरा चाहिए अभी के लिए मैं ये कह सकता हूं कि नोकिया के फोन में आपको बहुत अच्छा कैमरा मिल जाएगा, लेकिन भैया पोको फोन का जो कैमरा है ना वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर भैया जो गूगल का कैमरा है ना उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो इमेज है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन भैया सबसे बड़ी बात होती है बैटरी, और बैटरी के मामले में आपको पोको फोन में मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। और यदि आप लेते हैं नोकिया का फोन तो यहां पर आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में यहां पर भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है पोको फोन में। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर के मामले में आपको पोको फोन में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाता है MIUI और साथ में यहां पर इनका जो खुद का पोको वाला चीजें है ना वो बहुत अच्छी है और यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे अपग्रेड आ रहे हैं। लेकिन नोकिया के 8.1 में आपको भैया स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा, मतलब यहां पर आने वाला है एंड्रॉयड 1 के साथ और एंड्रॉयड 1 भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है वो तो भैया स्टॉक एंड्रॉयड लेगा, जिसको कुछ चीजें कस्टमाइज करनी है तो उसे तो लेना चाहिए पोको फोन। ये तो आपके ऊपर है कि भैया आपको कौन सा UI ज्यादा पसंद है। लेकिन
अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की कि भैया इन दोनों फोन में आपको और क्या कुछ मिलता है। इन दोनों ही फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। आप इन दोनों फोन में दो 4G वाले सिम डाल सकते हैं क्योंकि दोनों ही फोन में आपको ड्यूल 4G का सपोर्ट मिल जाता है। इन दोनों ही फोन में आपको फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। लेकिन जो एंड्रॉयड 1 वाला है ना, वहां पर आपको फेस अनलॉक हो सकता है ना मिले। लेकिन भैया यदि नोकिया की कृपा हुई दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से नोकिया के 8.1 में आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता। लेकिन यदि आप लेते हैं पोको फोन तो यहां पर आपको IR फेस अनलॉक मिलता है जो आपका फोन अंधेरे में भी अनलॉक कर देगा। लेकिन भैया इसकी जो नॉच है ना वो थोड़ी सी बड़ी लगती है, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। लेकिन भैया यदि आप लेते हैं पोको फोन तो यहां पर आपको अच्छे प्राइस में अच्छी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन यदि डिस्काउंट मिल जाता है तो ये फोन आपको और भी सस्ते में पड़ जाता है। लेकिन नोकिया का जो प्राइस आया है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और यदि इसी प्राइस में ये आता है ना तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया नोकिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। लेकिन देखते हैं कि भैया नोकिया वाले क्या करते हैं। नोकिया अब अच्छा काम कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं भटक जाता है, और भटकने वाले को मैं और आप क्या कह सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से नोकिया के फोन का सबसे बेस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, और आप शाओमी के बारे में क्या सोचते हैं। और मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड है, जैसे आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M2 है, बड़ा किलर फोन है, और साथ में और भी बहुत सारी चीजें। जो भी आप सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर दोगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल ही निशुल्क है, तो कृपया करके ये सारी चीजें करके ही आगे बढ़ो। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।